गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट का जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएं। इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, उनके लिए आप जो है विशेष रूप से पढ़े उनको। सबसे मेन बात जो है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपकी ट्वेल्थ की बायो की, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक एक लाइन जो है आप बार बार पढ़ें, और हर लाइन को जहां आपको लगता है मेन चीज़ जो कोई इसमें डिस्क्राइब की जा रही है उसको अंडरलाइन करके आप पढ़ें, क्योंकि जो आप मान के चलिए एनसीईआरटी बुक्स में से 70-80% क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर दूसरी बात है, क्या क्या जो टॉपिक है जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपका जो टॉपिक है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो उसमें मेंडल्स लॉ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और जो डिजीज है उनके बारे में इन इस टॉपिक के कम 15-20 क्वेश्चन आपके जो है इस पेपर में कवर होते हैं। दूसरा टॉपिक जो आता है हमारा वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी माने हमारा जो पारितंत्र है उसके अंदर जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, उसको ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना आता है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों पढ़ें, और दोनों में ही अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें हम तो जो एटीपी साइकिल है वो ज़रूर पढ़ें, विशेष रूप से पढ़ें उसे, और एनिमल फिजियोलॉजी में जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसको आप जो है विशेष रूप से तैयार करें। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ह्यूमन डिजीज। अब जब ह्यूमन डिजीज के बारे में हम बात करते हैं, हम जानते हैं दो रीज़न होते हैं पैथोजेंस जो होते हैं जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है, उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, तो कौन सी डिजीज किस पैथोजेंस से हो रही है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उस डिजीज के पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है, और उसका जो भी हम कह सकते हैं उस रोग का कारक है उसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है वो कैसे पूरा होता है। तो यदि आप इन कुछ टॉपिक्स के बारे में ध्यान से पढ़ के जाएं, मैं रिपीट करूंगा, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जब आप बायो का पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स जो है ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन उसकी ध्यान से पढ़ें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस नीट एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी एनसीईआरटी बुक्स से जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसी प्रकार के वीडियो लेके मैं फिर मिलूँगा आपसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जब तक आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा हमारा चैनल जीसी ऑनलाइन बायो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और इस जो बायोलॉजी का है ऑनलाइन हम जो क्लास चला रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू अगेन।